स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जो गुजरात के नर्मदा नदी के सरदार सरोवर बांध से लगभग 3 किलोमीटर दूरी पर दुनिया का सबसे बड़ा मूर्ति सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बनाया गया है, जो अमेरिका के स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी से लगभग 2 गुना बड़ा है। और यह स्टैच्यू 182 फीट लंबी है और इसे 7 किलोमीटर की दूरी से भी देखा जा सकता है। और इस मूर्ति का निर्माण साल 2013 में शुरू हुआ था और साल 2018 को पूरा कर लिया गया। लेकिन क्या आपको पता है कि इस मूर्ति के सबसे भारी हिस्से को किस तरह से बनाया गया था? नहीं तो चलिए जानते हैं। इस मूर्ति सबसे भारी हिस्से को 6,659 अलग अलग हिस्सों को जोड़कर बनाया गया था और भारत सरकार ने यह दावा किया था कि यह मूर्ति देश का गौरव सिद्ध होगा, साथ ही लाखों लोगों को रोजगार भी मिलेगी और इस क्षेत्र में पर्यटकों को बढ़ावा भी मिलेगा। बट उस समय यह भी दावा किया गया था कि यह मूर्ति प्रति वर्ष 1,00,000 करोड़ से भी ज्यादा पैसे जनरेट करेगा और इस मूर्ति को बनाने में सरकार ने कुल 300 करोड़ रूपए खर्च कर दिया था। और यह भी कहा गया था कि कुछ साल बाद ही यह मूर्ति सरकार को 300 करोड़ से भी ज्यादा पैसा वसूल कर देगी। इस लौह पुरुष की मूर्ति के निर्माण में लाखों टन लोहा और तांबा लगाया गया है। इस मूर्ति को बनाने के लिए लोहा पूरे भारत के गांवों में रहने वाले किसानों से खेती के काम में आने वाले पुराने और बेकार हो चुके औजारों का संग्रह करके जुटाया गया है। उसके बाद इन लोहा का उपयोग मूर्ति को बनाने में किया गया। आखिर इतनी खूबियों के बावजूद यह मूर्ति फेल होता हुआ क्यों दिखाई दे रहा है? दरअसल भारत सरकार द्वारा इस मूर्ति को बनाने के पीछे टूरिस्ट को बढ़ावा देना था, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोग यहां घूमने के लिए आ सके। अगर आप इस मूर्ति के 1 साल के डेटा को देखोगे तो आपको पता लगेगा कि यहाँ पर 1 साल में लगभग 27,00,000 लोग ही घूमने के लिए आए थे, जिससे सिर्फ 80 करोड़ रुपए ही जनरेट हुआ था। मान लो अगर भारत सरकार यह पैसा किसी बैंक में जमा कर देता तो आज कितना पैसा हुआ होता। इससे यह पता चलता है कि शायद ही स्टैच्यू ऑफ यूनिटी इतना पैसा कमा पाएगा और इसका अंदाजा शुरुआती 3 सालों को देखकर ही बताया गया है, जिससे शायद स्टैच्यू ऑफ यूनिटी कभी पूरा कर पाएगा, क्योंकि भारत जैसे विशालकाय देश के लिए 300 करोड़ रुपए मूर्ति में खर्च करना एक बड़ी बात है। इसका एक बड़ा कारण यह भी है कि मूर्ति के निर्माण के समय लोग इसको देखने का विशेष उत्साह था, जो दिन प्रतिदिन कम होता दिखाई दे रहा है। इस वजह से लगातार इस मूर्ति की कमाई गिरती जा रही है। इसके साथ ही प्रतिवर्ष मूर्ति के रखरखाव और मेंटेनेंस का खर्चा भी आता है, जो 8 करोड़ से ज्यादा है। और ऐसे में स्पष्ट है कि यह मूर्ति कभी भी वह अपनी लागत वसूल नहीं कर पाएगी। लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि लोगों में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को देखने का उत्साह ज्यादा बढ़े और यह मूर्ति अपनी लागत कमाई वसूल ले, ताकि हमारे देश को किसी प्रकार के घाटे का सामना न करना पड़े।